हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं स्क्रू गेज का लेक्चर कि कैसे स्क्रू गेज से चीजें मेजर करी जाती हैं, इसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, पिच कैसे निकाली जाती है। तो हर एक चीज आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसका बेसिक समझ लो। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस थी जिसका लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी इससे हम इतनी लेंथ तक की, इतनी छोटी से छोटी लेंथ तक की चीज को मेजर कर सकते हैं। अगर इससे छोटी चीज हो, ठीक है ना, तो उसे मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर यूज में नहीं आएगा। तो हमें अगर 0.01 सेंटीमीटर से भी छोटी चीज को मेजर करना है तो उसे मेजर करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज क्यों? क्योंकि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो आप जो ये स्क्रू गेज देख रहे हो, ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, जो अभी हम देख लेंगे कैसे निकलता है, होता है 0.001 सेंटीमीटर। ये उस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है जिसकी सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन होते हैं, ठीक है ना, और इसकी मेन स्केल 1 मिलीमीटर के डिवीजन की होती है। तो चीजें थोड़ी ध्यान से समझना, ये सब चीजें आज के लेक्चर में आज आप सीख जाओगे। तो लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर ये उस स्क्रू गेज का होता है जिसकी सर्कुलर स्केल्स के ऊपर, जिसकी सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिविजन होते हैं और जिसकी मेन स्केल का डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, ठीक है ना। तो ये उस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है। अभी कैसे निकलता है, क्या तरीके होते हैं, मैं बताता हूं। पहले एक बार बेसिक समझ लो। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं थिम्बल। तो प्रैक्टिकली देख लो, तो ये सर्कुलर स्केल जिस चीज के ऊपर माउंट की गई है, ये वाली स्टील की चीज, इसको आप बोलोगे थिम्बल, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज होती है स्लीव। तो एक्चुअली मैं इसको और ओपन कर देता हूं तो आपको आराम से दिखाई देगा। तो ये जो चीज आप देख रहे हो इसको बोलते हैं स्लीव, ठीक है ना। ये जो रीडिंग्स आप देख रहे हो इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। तो इस स्क्रू गेज के अंदर बहुत छोटी सी है, ज्यादा दिखाई नहीं देगी, बट ठीक है, और थोड़ा फील लेने के लिए आप देख लो। तो ये जो रीडिंग्स है ये कहलाती है मेन स्केल रीडिंग। ये जो चीजें आप देख रहे हो ये हो गई सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, ये दोनों जॉज हो गए, ठीक है ना। स्पिंडल इसको बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी हमें थिकनेस, डायमीटर, वायर की डायमीटर अगर हमें मेजर करनी हो, वो हम इसके बीच में अटकाते हैं और फिर यहां से इस स्क्रू को, नट को टाइट कर देते हैं। जैसे मान लो पेन को अगर मैं इसके बीच में अटकाऊं, पेन तो बहुत बड़ा हो गया, बट कोई भी वायर ले लो आप, छोटी सी पतली सी वायर, ये वायर ले लो, इस वायर का अगर मेरे को डायमीटर मेजर करना हो तो मैंने इसके बीच में अटकाया, इस नट को रोटेट किया और इसको पूरी तरीके से टाइट कर दिया। फिर जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर के अंदर, अच्छा, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, जैसे अब ये आगे रोटेट करना बंद कर देगा, ठीक है ना, अपने आप आवाज इसमें से आ जाएगी। तो ये नहीं इसको लेकर के पूरा घुमाते चले जा रहे हो तो उसकी डायमीटर जो है वो श्रिंक हो जाएगी, तो वो नहीं करना होता। जहां तक आ रहा है वहीं तक हमें इसको प्रिसाइसली रखना होता है। तो किसी भी चीज जिसका हमें थिकनेस मेजर करना हो, डायमीटर मेजर करना हो, यहां पर इन दोनों जॉस के बीच में उसको अटकाते हैं। अच्छा, अब छोटी छोटी चीजों पर हमें इसमें काम करना है। सबसे पहली चीज हम पिच देखेंगे कि पिच स्क्रू गेज में किस चीज को बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो पेज आप देख रहे हो इसके ऊपर मैंने पूरा पिच का आपको हिसाब किताब समझाया है, पर पहले आप प्रैक्टिकली देख लो कि पिच क्या चीज होती है। तो मैं इसको पूरा ओपन कर दे रहा हूं स्क्रू गेज को, तो आपको बहुत क्लियरली पिच अच्छी तरह दिखाई दे जाएगी। तो आप ये जो देख रहे हो ना सर्कुलर डिविजन इसके ऊपर है, या ये जो आप सर्कुलर पोर्शंस देख रहे हो उसके ऊपर, तो जो दो सर्कुलर पोर्शंस है, ये जो दो छोटे छोटे सर्कुलर पोर्शंस है, इनके बीच के गैप को बोलते हैं पिच। यहां पर डायग्राम में देखोगे तो ये जो सर्कुलर पोर्शन आप देख रहे हो इसके बीच के गैप को हम यहां पर पिच बोलेंगे। तो ये जो गैप है, ठीक है ना, दिस थिंग इज कॉल्ड पिच। इसे निकालते कैसे हैं? तो पिच निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले हमने इसको इसके ऊपर लगाया। अब ये जो सर्कुलर स्केल है इसके जीरो को, ठीक है ना, इस मेन स्केल की डिवीजन के ऊपर कोइंसाइड करा दो, इससे बड़ी आसानी हो जाती है। अब क्या करते हैं, ठीक है ना, तो ये इसमें कोइंसाइड कर गया। अब हम इसको रोटेट करते हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ की रीडिंग नोट कर लेते हैं कि मेन स्केल पे ये कहाँ पे है। तो आप, मेरा सजेशन यही है कि जैसे 5, तो मतलब पर्टिकुलर मार्क्स उसके ऊपर बने हुए मेन स्केल के ऊपर, वहां पर इसको ले जाओ और जीरो को इससे कोइंसाइड करा दो। तो मैंने यहां पर 5 पर ले जा करके जीरो को कोइंसाइड करा दिया, ठीक है ना। अब पिच कैसे मेजर करते हैं वो सुनो। अब हम इसको पकड़ के रोटेट कराते हैं, ठीक है ना। मान लो मैंने इसे रोटेट कराया और वापस से ये जीरो यहां पर आ गया, तो ये हो गया एक रोटेशन,
ठीक, ऐसे आप चाहिए 3, 4, 5 जितने चाहिए उतने रोटेशन ले सकते हो। मान लो मैंने 2, 3, 4, 5 ठीक है ना, तो मैंने ये 5 रोटेशन इसके ऊपर लगा दिया है, ये इसका 5th रोटेशन है। अब मैं ये देखूंगा कि इन 5 रोटेशन में ये जो थिम्बल है ये कितना डिस्टेंस इसमें मेन स्केल के ऊपर मूव किया, ठीक है ना। तो मैंने रखा था इसको 5 पर, अब ये आ गया मेन स्केल के 0 पर, मतलब 5 मिलीमीटर ये मूव किया। कितने रोटेशन लगाने के बाद? 5 रोटेशन लगाने के बाद। तो पिच हो गई डिस्टेंस मूव्ड बाय थिम्बल ऑन मेन स्केल जो कि हो गया 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ थिम्बल जो कि हो गया 5। तो टेक्निकली पिच का वैल्यू आ गया हमारा 1 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो 1 मिलीमीटर यानी ये जो डिवीजन देख रहे हो इस डिवीजन को भी हम पिच ही बोलेंगे, ठीक है ना। और ये डिवीजन यहां पर हमें पता चल गया कि 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो इन जनरल स्क्रू गेज की जो पिच होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, अनटिल अनलेस ये ना स्पेसिफाई किया जाए कि इसके अंदर के डिवीजन हमने और ज्यादा छोटे मार्किंग के कर रखे हैं। तो ऐसा भी सवाल आज के लेक्चर में मिल जाएगा। तो जनरली पिच ऑफ स्क्रू गेज अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम 1 मिलीमीटर लेते हुए चलेंगे। तो मेरे ख्याल से पिच आपको समझ आ गया होगा। वापस से सुन लो, सर्कुलर स्केल को हम घुमाते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ रोटेशन देखते हैं कितने लिए हमने, उस रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस आगे मूव किया, तो जितना डिस्टेंस आगे मूव किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, दैट थिंग इज कॉल्ड पिच। और स्टैंडर्ड पिच का वैल्यू 1 मिलीमीटर होता है, बट नॉन स्टैंडर्ड भी है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब आते हैं दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पर, लीस्ट काउंट। तो छोटे से छोटा डिस्टेंस जो उसके ऊपर मेजर किया जा सकता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो इन जनरल जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है, जैसा मैंने फर्स्ट आपको पेज पे दिखाया था, 0.001 सेंटीमीटर होता है। कैसे निकालते हैं वो सुनो। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है पिच, तो इसलिए पहले आपको पिच आना चाहिए निकालना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो कितने सर्कुलर स्केल के डिवीजन इसके ऊपर है उससे उसको डिवाइड कर दो, आपके पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारे वर्नियर कैलिपर, हमारे स्क्रू गेज में जो पिच थी वो थी 1 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन थे, तो रिजल्ट आ गया 0.01 मिलीमीटर यानी 0.001 सेंटीमीटर। तो हमारे स्क्रू गेज का, स्टैंडर्ड स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर है। इससे छोटी चीज हम इस स्क्रू गेज के ऊपर मेजर नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है आपको लीस्ट काउंट निकालने का तरीका, पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। अच्छा, बहुत सारे स्क्रू गेज ऐसे मिलेंगे जिनमें ये सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 की जगह 50 होगा, कहीं में 20 भी मिलेगा, तो उस जगह पर लीस्ट काउंट की वैल्यू ये नहीं आएगी, वो चेंज हो जाएगी और हमें अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम के हिसाब से उसको निकालना पड़ेगा। तो हमारे एग्जाम के अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं उनमें स्क्रू गेज के कई बार सर्कुलर स्केल डिवीजन की क्वांटिटी को चेंज कर देते हैं, तो हमें फिर उस वक्त डिसीजन लेना होता है कि लीस्ट काउंट हम कितना कैलकुलेट करके निकालने वाले हैं। तो वैसे न्यूमेरिकल आगे थ्योरी खत्म होते ही आपको मैं सिखाऊंगा, अब देखना आगे। तो तीसरी चीज पर अब आते हैं, सेम जैसे हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर में किया था बिल्कुल सेम अप्रोच से यहां पे चल रहे हैं। पिच देखी हमने, पिच से हमने लीस्ट काउंट निकाला, अब हम तीसरी चीज पर आ रहे हैं, वो है जीरो एरर। तो किसी भी अपरेटस में जीरो एरर पता करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई उसमें जीरो एरर है या नहीं है। अब जीरो एरर कब नहीं होती पहले वो सुन लो, पहले होती क्या वो सुन लो। इफ द जीरो ऑफ मेन स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, तो मैंने क्या किया, ये स्क्रू गेज को पूरा का पूरा टर्न कर दिया, दोनों जॉस को आपस में मिला दिया, ठीक है ना, इस तरीके से मिल गए, और घुमाऊंगा तो ये देखो आवाज आनी शुरू हो गई। अब हम चेक करेंगे, इसको मैंने अपनी तरफ लिया घुमा के, अब हम चेक करेंगे कि सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करता है, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं, तो अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करता है तो ऐसे स्क्रू गेज में कोई भी जीरो एरर नहीं है, और ये जो रीडिंग देगा वो एक्यूरेट रीडिंग होगी, उसमें कुछ प्लस माइनस करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये स्क्रू गेज जो आप देख रहे हो विद नो जीरो एरर, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, और बाई चांस की बात है, ठीक है ना, मेरे हाथ में भी जो स्क्रू गेज है इसमें भी कोई जीरो एरर नहीं है, क्योंकि इसका सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। बट हम ये जीरो एरर ला सकते हैं, मैं बड़े आराम से ला सकता हूं, पर क्यों लाया जाए सवाल तो ये भी है, ठीक है ना। ये जैसे आप स्क्रू देख रहे हो, इसको ओपन कर दो तो क्या होगा, अब ये जीरो इसके साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, इसमें जीरो एरर आना शुरू हो जाएगी। जीरो एरर दो तरीके की होती है, या तो पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव, अब दोनों को अच्छे से सीखो। तो पहले कब नहीं होगी वो अच्छी तरह समझ लो, जब जीरो और जीरो इसका कोइंसाइड करेगा देन देयर इज नो जीरो एरर। अब चलते हैं हम दूसरी चीज पर, पॉजिटिव
जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर कब बोलते हैं? अगेन हमने इसको थिम्बल को पूरा रोटेट कर दिया, दोनों जॉस मिला दिए, अगर इसका जीरो इसके जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा तो डेफिनेटली इसमें जीरो एरर है। अब दो बातों की, या तो वो जीरो ऊपर निकल जाएगा या वो जीरो उस मेन स्केल के जीरो से पहले रह जाएगा। ठीक, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर ये ध्यान रखना, कॉपी में नोट जरूर कर लेना, पॉजिटिव जीरो एरर तब होती है जब सर्कुलर स्केल का जीरो, ठीक है ना, मेन स्केल के जीरो से नीचे रह जाए। पढ़ो, इफ द जीरो लाइन मार्क्ड ऑन द सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन, तो इज बिलो द रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल, ठीक है ना, तो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से अगर सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे रह जाता है तो हम बोलेंगे कि हमारे एपरेटस में पॉजिटिव जीरो एरर है। अब पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब ये पहले से कुछ रीडिंग दिखा रहा है और वो जो एक्स्ट्रा रीडिंग है वो हमें करेक्शन में सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जैसे ही कितनी एक्स्ट्रा रीडिंग दिखा रहा है वो हम निकालते हैं, तो वो निकालने का तरीका है, तो करेक्शन क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, मतलब ये चीज हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब सीखो, तो करेक्शन कैसे निकाला जाए। तो पहली बात, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो ऐसे में पॉजिटिव जीरो एरर का जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब हमें रिजल्ट में से उस चीज को, एक्स्ट्रा चीज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब कितना सब्ट्रैक्ट, तो अब हमें देखना पड़ेगा कितनी जीरो एरर है। तो हम ये देखते हैं सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड किया, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो फिफ्थ डिवीजन ऑफ दिस, तो फिफ्थ डिवीजन ऑफ दिस सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल। तो अब हम देखें कि यार कितनी पॉजिटिव जीरो एरर है, जिसका करेक्शन मैंने जैसा बताया नेगेटिव करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो करेक्शन नेगेटिव हो गया। अब कितनी एरर है वो निकालने का तरीका हो गया कि सर्कुलर स्केल का वो डिवीजन देखो जो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, वो हो गया 5 इंटू में हमारे इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट इन जनरल हम लेते हुए चल रहे हैं 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर, तो इनटू 0.001 सेंटीमीटर। तो हमारे पास करेक्शन आ गया, ये ध्यान रखना करेक्शन सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। एरर आ गई, अगर आप पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये साइन हटा दो और 0.005 सेंटीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर हुज करेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। कंफ्यूज मत होना, पॉजिटिव जीरो एरर मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग पहले से दिखा रहा है और उस एक्स्ट्रा रीडिंग को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब एक्चुअल रीडिंग आएगी, ये दिमाग में अच्छी तरह सेट कर लो। तो करेक्शन हो गया इसका नेगेटिव, कितना, -0.005 सेंटीमीटर। और थोड़ा सा डिटेल से मतलब समझो, मान लो मैंने इसमें से, इससे जिसमें पॉजिटिव जीरो एरर है, कितनी पॉजिटिव जीरो एरर है, 0.005 सेंटीमीटर की पॉजिटिव जीरो एरर है, इसमें से मैंने इसका डायमीटर मेजर किया, सपोज करो 4 मिलीमीटर इसका डायमीटर आया, ठीक है ना, इसी इससे मैंने रीडिंग मेजर करी, सपोज करो 4 मिलीमीटर आई, तो ये 4 मिलीमीटर में ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है जो ऑलरेडी थी इसमें इंक्लूडेड, वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तब हमें एक्चुअल डायमीटर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको पॉजिटिव जीरो एरर और उसका करेक्शन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वापस से नोट डाउन कर लेना, पॉजिटिव जीरो एरर तब होगी जब सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल की रीडिंग के नीचे लाई करेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगली जीरो एरर की तरफ। नेक्स्ट जीरो एरर है नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर कब होती है, तो वो ऑब्वियस सी बात है जब सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के ऊपर लाई करेगा। अब हमें ये रीडिंग नहीं चाहिए, जैसे वर्नियर कैलिपर में मैंने आपको सिखाया था, हमें 96 नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाई ये जीरो कितना डिवीजन ऊपर भाग गया, तो 1, 2, 3, 4, 5 डिवीजन ऊपर भाग गया, तो 5 डिवीजन की नेगेटिव जीरो एरर इसके अंदर है, ठीक है ना। मतलब ये 5 डिवीजन कम दिखाएगा जो भी चीज आप मेजर करोगे, तो एक्चुअल चीज मेजर करने के लिए वो 5 डिवीजन की रीडिंग उसमें ऐड करनी पड़ेगी, यानी नेगेटिव जीरो एरर का करेक्शन पॉजिटिव होके लगेगा। अब कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने का तरीका ये हो गया कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 96 कोइंसाइड कर रहा है पर ये एरर नहीं है, ठीक है ना। तो 96 कोइंसाइड कर रहा है, टोटल कितने डिवीजन थे, 100 थे, 100 में से 96 माइनस किया तो हमें पता चला ये कितना एक्स्ट्रा भागा, तो n यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से कोइंसाइडिंग डिवीजन हमने माइनस किया तो हमें पता चला कि भाई कितना वो नेगेटिव जीरो एरर में वो जीरो ऊपर शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। और 100 माइनस 96 हमने किया तो ये वैल्यू हमारे पास यहां पर आ गई कितनी, 100 माइनस 96 किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है, चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 की हमारे पास ये आ रही है नेगेटिव जीरो एरर। इनटू में हमने लीस्ट काउंट किया,
0.001 सेंटीमीटर, आंसर मिल गया 0.004 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव जीरो एरर है और जब हम इस चीज को वहां पर लगाएंगे एक्चुअल रिजल्ट में लगाएंगे तो ये पॉजिटिव होकर के लगेगा, यानी इसका करेक्शन पॉजिटिव होगा, ऐड होगा वहां पर जाकर के। तो कितना डिजिट हमें और ऐड करना पड़ेगा, 0.004 सेंटीमीटर का हमें चीज और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है। तो दो चीजें अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लो, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू दिखा रहा है और एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेगेटिव जीरो एरर मतलब ये पहले से ही कम दिखा रहा है तो ये जो एरर आएगी उसको हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जो चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम करेक्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीजें अच्छी तरह दिमाग में सेट हो गई होंगी। अब अगली चीज पर आते हैं, तो बात आती है कि किसी भी चीज की लेंथ कैसे निकाली जाती है स्क्रू गेज की हेल्प से। तो उसे निकालने का तरीका है, किसी भी चीज जिसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, आपने इन दोनों जॉस के बीच में अटका दिया, सपोज करो मैंने ये वायर को ही इसके अंदर अटका दिया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, तो देखी जाएगी मेन स्केल की रीडिंग कितनी है। ये अभी एग्जांपल में हम साथ साथ देखेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा, इसमें दिखाई देना बहुत मुश्किल काम है। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, फिर अब हम देखेंगे कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिविजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू में लीस्ट काउंट किया, प्लस और माइनस जो भी जीरो एरर की, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर की वजह से करेक्शन होगा वो या तो ऐड होकर के या सब्ट्रैक्ट होकर के अकॉर्डिंगली लगेगा। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसका करेक्शन नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर है तो उसका करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथ में करेक्शन, और अगर कोई एरर ही नहीं है तो करेक्शन की वैल्यू जीरो होगी। अब आते हैं पहले एग्जाम्पल पर, ठीक है ना। अब ये डायग्राम बड़े बड़े आप बहुत आराम से इसको सीख जाओगे। तो पहला एग्जाम्पल ये कह रहा है, डायग्राम शोज अ स्क्रू गेज इन विच थिम्बल हैज 100 डिवीजन, कैलकुलेट लीस्ट काउंट एंड डायमीटर ऑफ वायर। हालांकि ये यहां पर सॉल्व है पर मैं चाहता हूं आप मेरे साथ इसको सॉल्व करो, तो मैं इसको यहां पर अलग से वापस से सॉल्व कर रहा हूं। तो अब हमें इसका लीस्ट काउंट निकालना है, तो जो हमें ये गैप दिख रहा है तो ये ऑब्वियसली अब दिया नहीं गया है, तो जब नहीं दिया गया तो हम 1 मिलीमीटर लेते हुए चलेंगे, यानी इसकी पिच हम 1 मिलीमीटर लेते हुए चलेंगे। तो पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो पिच होगी 1 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गए 100, आंसर आया 0.01 मिलीमीटर और स्टैंडर्ड आ गया 0.001 सेंटीमीटर। यानी ये वही स्क्रू गेज है जो हम लोगों ने आइडियली लिया हुआ था अपने स्टैंडर्ड एग्जांपल्स के अंदर जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो ये वही स्क्रू गेज है, इसमें कोई भी हमें एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी पड़ रही, बिल्कुल जो चीज है वो एग्जैक्ट वही चल रही है जैसे हम सीख करके आए हैं। तो पहली चीज लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम आते हैं दूसरी चीज पर, और ये मेन चीज है, और हमें अब कैलकुलेट करना है डायमीटर ऑफ वायर। तो वायर कुछ यहां अटकाई गई होगी, ठीक है ना, और उसने ये पोर्शन आपको नहीं दिखाया डायग्राम में, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन दिखा रहा है। वैसे भी आपको क्या मतलब कि लोहे की वायर लगाई या टीन की वायर लगाई, मेन तो यही है कि यहां से आपको रीडिंग निकालनी आनी चाहिए, तो वो सीखो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो सर्कुलर स्केल है ये मेन स्केल के कितने डिजिट के या डिविजन के बाद आ रही है, तो 1, 2, 3, 4, तो आफ्टर 4 डिविजन, ठीक है ना, मेन स्केल के 4 डिविजन हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद का डिविजन हमारे लिए दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, उसके बाद सर्कुलर स्केल आ गई। तो डायामीटर निकालने का तरीका हो गया, तो डायामीटर ऑफ दिस वायर इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग विच इज कितना 1, 2, 3, 4, 4 डिविजन, एंड ईच डिविजन इज काउंटेड एज 1 मिलीमीटर, यानी 4 मिलीमीटर प्लस। अब देखेंगे सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड किया, तो 30, 31, 32, 33, 34, तो 34 वाला डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो 34 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल एंड इट्स लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट कितना, मिलीमीटर में चीज चल रही है तो मिलीमीटर में ही रहना दो, 0.01 मिलीमीटर। अब बात आती है कि जीरो एरर है या नहीं है, तो कुछ बोला नहीं गया, तो जब उसने नहीं बोला तो हम क्यों अपनी तरफ से बोलने लगे कि इसमें जीरो एरर होगी, तो मान के चल रहे हैं जब कुछ नहीं गिवन है तो कोई करेक्शन यानी कोई जीरो एरर इसके अंदर नहीं है, तो नो जीरो एरर। ओके, तो फाइनल आंसर आ गया 4 मिलीमीटर प्लस 0.34 मिलीमीटर और एंड फाइनल आंसर इज, इसको आप एड कर लो, 4.34 मिलीमीटर।
तो 4.34 मिलीमीटर इज द डायमीटर ऑफ दैट वायर. अब जिसको आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो ऑब्वियसली 10 से और डिवाइड करना है, 0.3434 सेंटीमीटर उसका डायमीटर हो जाएगा. तो बिल्कुल सरल सा तरीका है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको पागल हो जाना पड़े कि यार स्क्रू गेज मेरे को नहीं आता, मैं कैसे करूंगा, ठीक है, या करूंगी. आप बहुत आराम से कर सकते हो. और प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल सेम पैटर्न के ऊपर बेस्ड है. मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, डायग्राम को श्रिंक कर देते हैं. आ जाओ. तो कह रहे हैं डायग्राम शोज स्क्रू गेज इन विच, अब देखो पहला ट्विस्टिंग आया, सर्कुलर स्केल हैज 200 डिवीजन. तो 200 डिवीजन है तो लीस्ट काउंट भैया वो तो नहीं आएगा जो आप सोच रहे हो, ठीक है ना. तो अब हमें पहले लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा. अच्छा ये जो डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर कुछ नहीं गिवन है, तो 1 मिलीमीटर लेते हुए चल रहे हैं. काउंट द रेडियस ऑफ वायर. तो पहले स्टार्टिंग करते हैं पिच से, बिल्कुल हमेशा बेसिक से स्टार्टिंग करो. पिच 1 मिलीमीटर. अब आ जाओ लीस्ट काउंट निकालो. लीस्ट काउंट क्या फॉर्मूला था, पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन. पिच हो गई 1 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल के डिवीजन हो गए 200. तो 1/200, और ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बाद में निपट लेंगे डिवाइड करके. तो 1/200 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ गया. अब हमें रेडियस निकालना है. तो रेडियस डायरेक्ट नहीं आएगा, कारण कि जब आप स्क्रू गेज में वायर को अटकाओगे और इन जॉज को क्लोज करोगे तो ये क्या बताएगा, रेडियस थोड़ा ना बताएगा, ये डायमीटर बताएगा, ठीक है ना. तो आप वायर का रेडियस डायरेक्ट नहीं निकालोगे, आप डायमीटर निकालोगे हमेशा, ठीक है ना. तब उसे हाफ करोगे तो रेडियस आएगा. ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पता चले धड़ाधड़ रीडिंग कैलकुलेट करके रेडियस निकाल के चले आए, आंसर गलत कर दिया. तो रेडियस नहीं, पहले हम डायमीटर निकालेंगे, ठीक है. कैसे निकालोगे, सेम प्रोसीजर. तो चेक करते हैं मेन स्केल के कितने डिवीजन विजिबल है. 1, 2, 3, 4, 5 तो विजिबल है, और हर डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, तो 5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, 31, 32, 33, 34. तो स्टिल 34 वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है. लीस्ट काउंट हो गया 1/200 mm. तो यहां से डायमीटर की वैल्यू आ गई, इसको 0.17 मिलीमीटर लिख लो. तो 5.17 मिलीमीटर पर क्या पूछा है, रेडियस. अब आप रेडियस की वैल्यू लिखो, और रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. तो 5.17 बाय 2 मिलीमीटर इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, डिवाइड करके आंसर निकाल लो. तो ये था प्रॉपर तरीका स्क्रू गेज से रेडियस निकालने का. केयरफुल रहना, ठीक है ना. वो डायरेक्ट रीडिंग रेडियस की नहीं आएगी, डायमीटर आएगा, तब हाफ करने पर रेडियस आएगा, ठीक. चलते हैं आगे. अब देखो डायग्राम शोज अ स्क्रू गेज इन विच सर्कुलर स्केल एज 100 डिवीजन. तो सर्कुलर स्केल के जो डिवीजन दे रखे हैं वो तो 100 दे रखे हैं. कैलकुलेट लीस्ट काउंट. पर यहां पर डायग्राम में देखोगे तो पंगा है यहां पर. अब आप देखो जो डिवीजन बनाया गया है वो 1 मिलीमीटर का नहीं है, ठीक है ना. जैसे 1 वाली मार्किंग यहां पर है, डायग्राम अच्छी तरीके से देखना, पर उस 1 के बीच में भी एक डिवीजन है. यानी हर एक डिवीजन, और थोड़ा मैं इसमें क्लियर दिखाऊं आपको, हर एक डिवीजन ये जो देख रहे हो ना, ये डिवीजन हर एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का नहीं है, हर एक डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का है. तो पिच की वैल्यू अब 1 मिलीमीटर नहीं हुई, पिच की वैल्यू हो गई 0.5 मिलीमीटर, ठीक है ना. और थोड़ा केयरफुली समझ लो, यानी ये जो सर्कल आप देख रहे हो, अब इन हर सर्कल के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर नहीं रही, इन सर्कल के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर हो गई. तो डायग्राम से देख करके हमें ये पता चला, और स्टार्टिंग हम हमेशा पिच से ही करेंगे, तो डायग्राम से देख करके हमें ये पता चला कि जो पिच थी, जो नॉर्मली स्क्रू गेज में 1 मिलीमीटर हुआ करती थी, अब वो पिच की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर हो गई, ठीक है. तो पिच चेंज कर दी, सर्कुलर स्केल के डिवीजन वही रखे अगले ने. अब हम लीस्ट काउंट निकालते हैं. तो लीस्ट काउंट फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. तो 0.5 मिलीमीटर इंटू 100, तो अगेन लीस्ट काउंट का वैल्यू 1/200 मिलीमीटर आया, जैसा पिछले प्रॉब्लम में था. थर्ड स्टेप पर आते हैं, तो मेरे ख्याल से अब आराम से आ रहा होगा समझ, अब दिक्कत नहीं लग रही होगी आपको. अब हमें निकालना क्या है, रेडियस है डायमीटर, डायमीटर निकालना है, आएगा डायरेक्ट आएगा. तो डायमीटर की वैल्यू, ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर अब हर एक डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का, तो मैं देखो कैसे रीडिंग लिखता हूं. तो अब हमें इसको मैं हटा रहा हूं, अब हमें ये देखना है कि कितने डिवीजन के बाद सर्कुलर स्केल स्टार्ट हुआ, ठीक है ना. तो 4, 5 डिवीजन के बाद नहीं स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखना.
ये चार तो बड़े बड़े डिजिट्स हो गए, चार तो मिलीमीटर हो गया, डिवीजन में पूछ रहा हूं, तो डिवीजन काउंट करोगे तो काउंट करो वन, ये फर्स्ट डिवीजन है, ये जो वन से पहले आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन, तो नाइन डिवीजन मेन स्केल के दिख रहे हैं, ठीक है ना, और हर डिवीजन हाफ मिलीमीटर का, तो कितना मिला हमें ये 9/2 यानी 4.5 मिलीमीटर, तो ये 4 मिलीमीटर नहीं है, ये हाफ मिलीमीटर और इसके अंदर ऐड कर लो 4.5 मिलीमीटर, ये मेन स्केल के ऊपर की रीडिंग हो गई। तो अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लो, या तो टोटल डिवीजन काउंट करके इनटू हर डिवीजन का जो गैप है वो लिखो, नहीं तो ऐसे भी लिख लो, 4 मिलीमीटर तो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना, आधा मिलीमीटर और दिख रहा है, तो 4.5 मिलीमीटर हमें विजिबल है मेन स्केल के ऊपर। तरीका समझ आ गया, अब चलते हैं आगे। तो ये तो होगी मेन स्केल की रीडिंग विच इज 4.5 मिलीमीटर। अब हमें देखना है सर्कुलर स्केल का कौन सा हिस्सा इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, 70, 71, 72, 73, तो 73 वाला हिस्सा कोइंसाइड कर रहा है, तो 73 इनटू लीस्ट काउंट विच इज 1/200 यूनिट मिलीमीटर। सिंप्लीफाई करते हैं, 4.5 मिलीमीटर ये हो गया 0.73/2 मिलीमीटर, और थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो 4.5 मिलीमीटर ये तो होगी मेन स्केल की रीडिंग, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग मिल रही है, इसको डिवाइड कर देते हैं 2, 3 जा 6 और 6 जा 12, 5 जा 10, 0.365 मिलीमीटर। अब दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा 5 as it is, 6 as it is, 5 और 3 8, तो 4.865 मिलीमीटर इज द वैल्यू ऑफ डायमीटर, रेडियस पूछा जाए, अब आप हाफ कर लो। आगे अच्छी तरह समझ, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, इन सब प्रॉब्लम की खासियत दे थी कि इनमें या तो मैंने मेन स्केल की रीडिंग को कुछ ना कुछ प्लस चेंज कर दिया था, या सर्कुलर स्केल की रीडिंग को, सर्कुलर स्केल के डिविजन्स को चेंज कर दिया था, कुल मिला के पिच चेंज कर दी थी या लीस्ट काउंट चेंज कर दिया था, ठीक है ना, पर अभी तक जीरो एरर नहीं आने दी थी। अब सवाल लो, पढ़ो। अब आपको इस सवाल में जीरो एरर मिल जाएगी, तो अब आपको जीरो एरर कैसे मैनेज करने क्वेश्चन में वो सीखने को मिल जाएगा। तो बोल रहा है एटॉमिक स्क्रू गेज हैज नेगेटिव जीरो एरर, तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि नेगेटिव जीरो एरर है, जिसका करेक्शन पॉजिटिव होकर के लगता है। कितनी नेगेटिव जीरो एरर है वो तो बाद की बात है, हमें तो शुरू कहां से करना पड़ेगा, पिच से, फिर लीस्ट काउंट, फिर जीरो एरर, फिर रीडिंग और फिर एक्चुअल रीडिंग। तो 4 से 5 स्टेप का प्रोसेस होगा, बट मजे आएंगे, ठीक है, सीखते हैं। तो कह रहा है एटॉमिक स्क्रू गेज हैज नेगेटिव जीरो एरर ऑफ 8 डिवीजन, तो 8 डिवीजन की हमें नेगेटिव जीरो एरर मिल रही है, बट हम हेल्पलेस हैं क्योंकि हमें लीस्ट काउंट नहीं पता। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ वायर, रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 3 डिवीजन एंड 24th सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द बेसलाइन, किसी काम का नहीं है क्योंकि लीस्ट काउंट नहीं पता, ठीक है ना। तो जब तक पिच, लीस्ट काउंट नहीं पता चलेगा, एरर, मेन स्केल की रीडिंग हमारे किसी काम की नहीं है, बकवास है। आगे चलते हैं। तो कई बच्चे जो है वो क्वेश्चन में पहले यहीं उलझ जाते हैं कि यार हमें तो नेगेटिव जीरो एरर दे रखी है, चलो नेगेटिव जीरो एरर निकाल लेते हैं। अरे कहां से निकालोगे जब लीस्ट काउंट नहीं है, रीडिंग दे रखी है, चलो रीडिंग निकाल के दे देते हैं। तो सब बेकार है, कंसेप्ट पर फोकस करो, पिच और लीस्ट काउंट आए बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले आगे बढ़े, अब पढ़ो मेन स्टेप। अब है इस प्रॉब्लम में मजेदार बात है, डायग्राम नहीं दिखाया गया, ठीक है ना, डायग्राम की जगह लैंग्वेज यूज करी गई। जब डायग्राम की जगह लैंग्वेज यूज करना ना, ट्विस्टिंग टर्निंग मजेदार हो जाती है। देखो, इफ द नंबर ऑफ डिविजन ऑन मेन स्केल आर 20 to a centimeter, मतलब समझो 20 to a centimeter का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर में 20 डिविजन है, ठीक है ना। इससे क्या पता चलेगी, पिच पता चल जाएगी। जैसे इसको मैंने आपके सामने खोल दिया पूरा, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर पे ले जा रहा हूं उसको, लो 1 सेंटीमीटर पर आ गया। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, ये यहां हुआ 1 सेंटीमीटर। अब चेक कर लो, यहां से लेकर के यहां तक इसके अंदर 10 डिविजन है, ठीक है ना। अब मैं काउंट करके कैसे दिखाऊंगा, तो मेरे को पता ही है 10 डिविजन है। तो इन जनरल जो हमारा स्क्रू गेज होता है उसमें 1 सेंटीमीटर पे 10 डिविजन होते हैं, यानी 1 डिविजन 1 मिलीमीटर का होता है, और पिच की वैल्यू 1 mm आ जाती है। पर यहां घपला कर दिया, 20 डिवीजन डाले गए 1 सेंटीमीटर में, तो पिच तो वो नहीं आएगी। तो पहली स्टेप, पिच की वैल्यू 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन, यानी 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मिलीमीटर में देख लो,
सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो, 10 मिलीमीटर हो गया, तो हाफ मिलीमीटर, तो पिच की वैल्यू हो गई हाफ मिलीमीटर. तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड था पिच, वो हमने निकाला मेन स्केल के ऊपर, एक सेंटीमीटर में 20 डिविजनों से हमें दिए, वहां से हमें पिच मिल गई. आओ दूसरे नंबर पर, अब पढ़ो आगे. एंड सर्कुलर स्केल हैज 50 डिवीजन, इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट का वैल्यू हो गया पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन. पिच कितनी थी बेटा, हाफ मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 डिवीजन है, तो लीस्ट काउंट का वैल्यू आ गया 1/100 मिलीमीटर, यानी 0.01 मिलीमीटर. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट, हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया, ये वही आया, पर पिच चेंज हो गई, ठीक है ना, रीडिंग चेंज हो जाएगी. अब मजे आएंगे, देखो थर्ड स्टेप पर आते हैं. अब क्या करें, क्या रीडिंग निकालें, नहीं, पहले एरर निकालेंगे. तो नेगेटिव जीरो एरर कब होती है, नेगेटिव जीरो एरर तब होती है जब जीरो मेन स्केल के ऊपर चला जाए, ठीक है ना. तो नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू देखें, कितने डिवीजन ऊपर चला गया, 8 डिवीजन, ठीक है ना, इनटू, अब ये 8 डिवीजन किसके हैं, ये 8 डिवीजन कोई मेन स्केल के नहीं है, ये 8 डिवीजन सर्कुलर स्केल के हैं, तो सर्कुलर स्केल का 8 डिवीजन ऊपर चला गया, इनटू उसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, ये आ गया 0.08 मिलीमीटर. कौन सी एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है, तो नेगेटिव जीरो एरर का साइन के साथ रिजल्ट देखें तो -8 इनटू 0.01 मिलीमीटर आया -0.08 मिलीमीटर. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेगेटिव जीरो एरर. करेक्शन, तो इसका करेक्शन कैसा आता है, इसका करेक्शन आएगा पॉजिटिव, कितना, 0.08 मिलीमीटर, ठीक है ना. क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये कम दिखा रहा है और हमें इतनी चीज उसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, तब हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी. फोर्थ स्टेप पर आते हैं. अब ये हो गया पिच हो गया, लीस्ट काउंट हो गया, उसने एरर नहीं पूछी थी, हमें निकालनी थी, मजबूरी थी हमारी. अब हमें ऑब्जर्व्ड डायमीटर निकालना है, फिर देखो करेक्टेड डायमीटर निकालना है. करेक्टेड तब आएगा जब हम एरर उसके अंदर मैनेज कर देंगे, ऑब्जर्व्ड डायरेक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है ना. तो चलो ऑब्जर्व्ड डायमीटर निकालते हैं. तो ऑब्जर्व्ड डायमीटर की वैल्यू अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, मेन स्केल की, और फिर उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कितने सर्कुलर स्केल वाले कोइंसाइड कर रहे हैं. तो पढ़ो, द रीडिंग ऑन मेन स्केल इज 3 डिवीजन, ठीक है ना. तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 3 डिवीजन, और हर डिवीजन मेन स्केल का हाफ मिलीमीटर का है, ठीक है ना. तो 3 × 1/2 मिलीमीटर, दिस इज द रीडिंग ऑफ मेन स्केल. समझ आया, तो अच्छी तरीके से एक एक चीज दिमाग में सेट करते हुए चलो, मुश्किल नहीं है, बट अगर आपके कंसेप्ट सॉलिड है तो स्क्रू गेज से आप लेंथ आराम से मेजर कर लोगे. तो 3 डिवीजन हो गए, पर हर डिवीजन 1 mm का नहीं है, हर डिवीजन 0.5 mm का है, यानी पिच हमें चाहिए थी उसके लिए, यानी 3/2 mm मेन स्केल की रीडिंग हो गई. अब सर्कुलर स्केल पे चलते हैं. 24th सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड, तो अब सर्कुलर स्केल का 24 डिवीजन, और हर सर्कुलर स्केल डिवीजन की रीडिंग यानी उसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर. तो ये हो गया 1.5 mm प्लस 0.24 mm, आंसर आ गया 1.74 mm. This is the value of observed diameter, ना कि correct diameter. अब आते हैं last step है corrected diameter. तो corrected diameter हो गया, क्या करना पड़ेगा, ये जो diameter हमने observe किया है इसमें हमें error correction के साथ लगानी पड़ेगी, और correction उसका कैसा है, positive है. तो corrected diameter हो गया 1.74 mm plus error की वजह से आने वाला correction 0.08 mm, एंड आर फाइनल आंसर इज, अब आप बस इसको ऐड कर लो, यहां पर हमें मिल जाएगा 8 × 4 = 12, 7 × 1 = 8, 1.82 mm इज द वैल्यू ऑफ करेक्ट डायमीटर. तो था ना मजेदार पूरा सवाल, जिसमें एरर भी थी, जिसमें पिच भी अच्छी सी थी, ठीक है ना, जिसमें लीस्ट काउंट भी चेंज कर दिया था, सारी जितनी गड़बड़ हो सकती थी सब इसके अंदर कर डाली हमने, और हमने एग्जैक्टली आंसर सही निकाल दिया. रेडियस निकालना है तो हाफ करना पड़ेगा. एक और देखते हैं, तो अब तो अकल आ गई होगी, ठीक है ना. तो अकल बादाम खाने से नहीं आती, ऐसे ही सवाल लगाओ तब अकल आएगी. तो अब इस स्क्रू गेज के सवाल को देखो, पढ़ो. तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हैज नेगेटिव एरर ऑफ कितना,
सेवेंथ डिवीजन, फिर से नेगेटिव एरर है पर अभी हमारे किसी काम की नहीं है। आगे पढ़ो, वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ वायर रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 2 डिवीजन, हमारे काम का नहीं है क्योंकि पिच ही नहीं पता। 79th सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द बेस लाइन, किसी काम की नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, अब मेन मुद्दे पर आते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 10 टू अ सेंटीमीटर, क्या मिला, पिच मिली यहां से, तो पिच की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब तो आ गया होगा, अब आपका मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ स्क्रू गेज गलत नहीं होना, ठीक है ना, चाहे थियोरिटिकल हो चाहे डायग्रामेटिक हो, जाना ही नहीं है सवाल। तो पिच की वैल्यू 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन, तो 1/10 सेंटीमीटर कर लो या 1 मिलीमीटर कर लो, तो पिच इसकी 1 मिलीमीटर आ गई। ओके, अब लीस्ट काउंट, तो कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन है, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है लाइफ में, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.01 मिलीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट। अब एरर कौन सी है, नेगेटिव जीरो एरर, तो नेगेटिव एरर हमारे पास आ गई माइनस, अब कौन सा डिवीजन है, सेवेंथ डिवीजन है सर्कुलर स्केल का और उसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, तो आंसर आ गया हमारे पास 0.07 मिलीमीटर। करेक्शन इसका, तो भाई करेक्शन इसका तो पॉजिटिव होकर के लगता है, तो करेक्शन की वैल्यू होगी प्लस का 0.07 मिलीमीटर। ओके, अब फोर्थ स्टेप पर आते हैं, क्या चाहिए हमें, ऑब्जर्व डायमीटर। अब हमें देखना है मेन स्केल का कौन सा रीडिंग है, तो 2 डिवीजन है मेन स्केल के, तो ऑब्जर्व डायमीटर, ठीक है, तो कौन सा डिवीजन, सेकंड डिवीजन किसका, मेन स्केल का, जिसकी वैल्यू कितनी है, हर डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 2 मिलीमीटर। ओके, अब सर्कुलर स्केल का 79th डिवीजन और उसकी रीडिंग कितनी है, 0.01 मिलीमीटर, तो ये अभी हमने कुछ करेक्शन नहीं किया, तो ऑब्जर्व डायमीटर की वैल्यू आ गई 2 mm 0.79 mm और फाइनल आंसर आ गया 2.79 mm, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या, ऑब्जर्व डायमीटर। अब हमें चाहिए करेक्टेड डायमीटर, तो करेक्टेड डायमीटर की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या करेंगे, एरर को करेक्शन के साथ लगाएंगे, तो 2.79 ये तो था ऑब्जर्व्ड, करेक्शन कैसा मिल रहा है हमें, पॉजिटिव मिल रहा है, कितना 0.07 mm का। अब ये इसमें आप ऐड कर लो 9 और 7, ये हो गया हमारे पास 16, 6 और ये आ गया 8, 2.86, तो 2.86 mm, दिस इज द वैल्यू ऑफ करेक्ट डायमीटर। तो ये था आपका स्क्रू गेज का लास्ट प्रॉब्लम, पर मेरे ख्याल से अब आपको स्क्रू गेज में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।